हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। आज डे 34, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो यूक्लिड के बारे में आपको पता ही होगा, यूक्लिड कौन है, देख सकते हो यूक्लिड को, ये रहे यूक्लिड साहब, ठीक है। ये गणित के शिक्षक थे, काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, तो इनकी फोटो भी सही से नहीं है। यूक्लिड ने क्या किया आपको पता है, ज्योमेट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया यूक्लिड ने, कि जो पूरे वर्ल्ड में आपका ज्योमेट्री का आप बोल सकते हो अनसिस्टमेटिक वर्क था, अनसिस्टमेटिक नॉलेज था, उसे एक क्या बोलते सिस्टमेटिक रूप से कलेक्ट करके अरेंज किया अपने फेमस ट्रीटीज़ में, जिसका नाम था एलिमेंट्स, ठीक है। और उस एलिमेंट्स में 13 चैप्टर थे, हर एक चैप्टर को एक बुक कहा जाता है, ठीक है। अब हम यूक्लिड के अप्रोच की क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे, आप जो कहना चाहो, ठीक है। तो यूक्लिड्स डेफिनेशन और एग्जाम्स हम इस वीडियो में देखेंगे, पोस्टुलेट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन अब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव, ठीक है। मतलब जो यूक्लिड के समय के जो गणितज्ञ लोग थे, उन्होंने क्या सोचा, ज्योमेट्री को एक ऐसा मॉडल सोचा कि जिस विश्व में वे रह रहे हैं, तो उसी के आसपास से उन्होंने डेफिनेशंस निकाले, जो भी है अपने बोल सकते हैं आप एग्जाम्स डेफिनेशंस सब वहीं से निकले, ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट अपने आसपास से सोच के, अपने आसपास के वर्ड को, ठीक है। तो आप इस सबको पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। मैं आपको डायरेक्ट मेन टॉपिक बताता हूँ जो है डायमेंशन का, ठीक है। डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, डायमेंशन क्या होता है। देखो डायमेंशन स्टार्ट होता है ज़ीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। ज़ीरो डायमेंशन में आपका आता है पॉइंट, ठीक है। अब मान लो आप पॉइंट को मिलाते जाओगे पॉइंट मिलाते जाओगे, काफ़ी सारे पॉइंट मिलाओगे, तो आपको क्या मिलने वाली, एक स्ट्रेट लाइन, या आप एक लाइन बोल सकते हो, स्ट्रेट ना हो तो चलेगा, लाइन, ठीक है। तो लाइन आपका क्या हो गया, वन डायमेंशन, ठीक है। लाइन किससे मिलके बनता है, बहुत सारे पॉइंट्स से, ठीक है। अगर आप बहुत सारी लाइनों को मिला दो, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर मैं चार लाइनों को मिला दूँ, तो मुझे क्या मिल गया, एक स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दो डायमेंशन होता है। लाइन के पास आपकी लेंथ होती है, क्या होती है, लाइन के पास लेंथ होती है, और पॉइंट के पास कुछ नहीं होता। और जो दो डायमेंशन ऑब्जेक्ट होता है, या सरफेस बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, सरफेस के पास आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। थ्री डायमेंशन में अगर आप देखना चाहो, तो थ्री डायमेंशन में अगर आप ऐसे ही, अगर आप छः स्क्वायर ले लो, उनको एक के ऊपर ऐसे रख के बना दो, ऐसे करके, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक क्यूब, ठीक है। क्यूब आपका थ्री डायमेंशन होता है। इसके पास आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, तीनों चीज़ होती है, ठीक है। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा डायमेंशन का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखो इसमें एक बात लिखिए, यूक्लिड के पहले चैप्टर में जो बुक वन था आपका, ठीक है, बुक वन कहते हैं जिसे, 23 डेफिनेशन दी उसने, ठीक है, जिनमें से कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो तो इन्हें पढ़ते एक एक करके। सबसे पहला कह रहा है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, ठीक है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसके पास कोई पार्ट ना हो। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, मतलब एक लाइन है उसके पास चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है। फिर कह रहा है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब जो लाइन का एंड है वो पॉइंट होता है आपका, ठीक है। फिर कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें जो पॉइंट्स होते, ठीक है, मतलब अपने पॉइंट्स के साथ, जो पॉइंट्स होते हैं ना लाइन में, उसके साथ इवनली होती है, वो स्ट्रेट लाइन होती है। आपको इतना क्या समझ लो, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर कह रहा है, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। फिर कह रहा है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बताया नहीं मैंने, चलो बता देता हूँ कि देखो जी, ये सरफेस है, इसके एजेस क्या होंगे, लाइन होंगे, और ऐसे ही इसके क्या होंगे, स्क्वायर होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बोल सकते हो, लाइन में आपका पॉइंट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ इतना तो, ठीक है। जो यूक्लिड है उसने 3D, जो 3D ऑब्जेक्ट थे उनके लिए सॉलिड का यूज़ किया, ठीक है, सॉलिड का यूज़ किया। टू डायमेंशन ऑब्जेक्ट के लिए उसने, आप बोल सकते हो, उसने सरफेस का यूज़ किया, और वन डायमेंशन के लिए उसने लाइन, और जीरो डी के लिए पॉइंट का यूज़ किया, ठीक है, मतलब पॉइंट शब्द का यूज़ किया। अब अगर लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है, अ प्लेन सरफेस इज़ अ सरफेस
विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ, मतलब जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हो, ठीक है। कि एग्जाम्पल ले, ये जैसे ये मैंने स्क्वायर बना दिया, ये भी आपका क्या एक सरफेस है, ठीक है। तो ये सात डेफिनेशन है जो कि बुक वन से ली गई है, ठीक है, जो एलिमेंट का उसका बुक वन था, बुक वन का मतलब चैप्टर वन, ठीक है। अब देखो एक डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं, ठीक है। ये मैंने अभी आपको समझा दिया थोड़ा सा डेफिनेशन, एक बार दोबारा देखना चाहूँगा मैं, एक क्या बात बताना चाह रहा हूँ गौर से सुनना। यूक्लिड ने कहा अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, मतलब एक पॉइंट जिसके पास कोई भाग नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो यूक्लिड ने पॉइंट की डेफिनेशन दी लेकिन पार्ट की डेफिनेशन नहीं दी, ठीक है। पार्ट मतलब पार्ट की तो कोई डेफिनेशन दी, अगर हम पार्ट की डेफिनेशन ले, मान लो पार्ट इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज एरिया, ठीक है। पार्ट इज समथिंग मतलब भाग एक कुछ है जिसका जो एरिया घेरता हो, ठीक है, और पॉइंट के पास कोई एरिया नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे फिर हमें एरिया को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, समझ लो। अगर हम पार्ट को एरिया से डिफाइन करें तो फिर हमें एरिया को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करके हम एक चेन बना देंगे डेफिनेशंस की जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है। तो यूक्लिड ने तो डेफिनेशन दे दी अपनी ओर से, लेकिन ये गणितज्ञों को अच्छा नहीं लगा, जो मैथमेटिशियंस थे उस समय के, मतलब आने वाले, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या करा, ऐसी कुछ डेफिनेशन को उन्होंने अनडिफाइन छोड़ दिया। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा फोर सच रीजन, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों था, क्योंकि एक चेन बन जाएंगे ना। आप देखो इसे, देखो मैं लाइन की डेफिनेशन देखता हूँ, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अब ब्रेथ और लेंथ क्या है भाई, इसकी डेफिनेशन तो दो, नहीं दी, ठीक है, दी नहीं ना। तो कारण ना था उनके पास ना, फॉर सच रीजन मैथमेटिशियन एग्री टू लीव सम जियोमेट्रिक टर्म्स अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्या लिखा, हाउएवर वी डू हैव अ इंट्यूटिव फीलिंग फॉर द जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट देन व्हाट द डेफिनेशन अबव गिव्स अस, ठीक है। मतलब इंट्यूटिव फीलिंग का मतलब अंतर्ज्ञान, हमारे अंदर इतना अंतर्ज्ञान है भाई कि अगर हमने पॉइंट बोला ना तो जरूरी नहीं आपको डेफिनेशन दो, हमारे दिमाग में पॉइंट बन चुका है। आप पॉइंट बोलो, आपके दिमाग में पॉइंट बन गया है, नहीं तो उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। देखो पॉइंट को वैसे हम इससे डिनोट करते हैं, लेकिन इस बिंदी की, वैसे इस बिंदी से डिनोट करते हैं, इस बिंदी की कुछ ना कुछ डायमेंशन होती है, लेकिन हम इसे जीरो मानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इवन दो द डॉट हैज़ सम डायमेंशन, जो डॉट है आप जिस डॉट से डिफाइन करते हो, ठीक है, डिनोट करते हो, ठीक है। तो ज्योमेट्री में कौन कौन से टर्म अनडिफाइंड रहे, ठीक है, तो आपको उनका नाम याद रखना है। पहला पॉइंट जिसको डिफाइन नहीं किया गया, मैंने आपको बताया पॉइंट आपके दिमाग में, लाइन उसको भी नहीं किया, प्लेन इसको भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, यूक्लिड के वर्ड में प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैथमेटिशियन को अच्छा नहीं लगा कि यूक्लिड ने इनकी डेफिनेशन दे दी, क्योंकि उस डेफिनेशन का हम आगे कोई तोल मोल नहीं था, समझ रहे हो, मतलब उसके डेफिनेशन से एक इसकी डेफिनेशन निकलनी थी पार्ट की, पार्ट से आगे एरिया की डेफिनेशन निकलनी थी, ऐसे चेन बनती जाती। तो गणितज्ञों को लगा इतना तो हमारे अंदर नॉलेज ही है भाई, अंतर्ज्ञान हमारे अंदर स्थापित है कि इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी तक हमने, अब हमने यूक्लिड की डेफिनेशन देख ली, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। बस इतना याद रखना कि गणितज्ञों ने कौन कौन से टर्म अनडिफाइंड रहने दिए, अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। देखो अब मैं वापस अपेंडिक्स वन में जाना चाहूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैथमेटिक्स है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुई। अब देखो खुद सोचो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसे हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, क्योंकि आपको पता है गणित में सबसे ज़्यादा क्या चला, क्या चलता है, लेट, इसे हिंदी में बोलते हैं माना, माना एक्स बराबर दो, ऐसे ही तो चलता है, लेट एक्स इजल टू टू, माना, सब सब लेट पे चलता है, कल्पना पे चलता है, सब हकीकत कुछ नहीं है, सब कल्पना पे चलता है गणित में, ठीक है। तो हम गणित कैसे बनी होगी, देखो खुद सोचो गणित में क्या होगा, लोगों ने कल्पना करी होगी, अंतर्ज्ञान मतलब अपने दिमाग के बिल्कुल बिल्कुल शांत बोलते नहीं, अंतर्ज्ञान का यूज़ किया, उपयोग किया, कुछ कल्पनाएं करी, कुछ कल्पनाओं में क्या थे, कथन निहित थे, ठीक है। अब कथन मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट, क्या निहित थे, स्टेटमेंट। अब देखो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, ठीक है, या तो कुछ स्टेटमेंट आपके ऐसे होंगे जिसे आपको ट्रू मानना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट आपके ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं, अपेंडिक्स वन में चलते हैं, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है।
देखो अगर आपको अपेंडिंग्स वन की वीडियो देखनी है तो ये मैं आपको वैसे उसके बाद ही बनाऊंगा जब पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बनेगी लेकिन इसकी वीडियो। और अगर आप वीडियो उस समय देख रहे हो जब तक मैंने बना दिया, तो पहले आप ये देख लो, ठीक है, अपेंडिक्स वन को कहाँ थे वो, आ जाओ भ्रमण करते थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर चलते हैं। थ्योरम्स, कंजेक्चर्स, एग्जाम्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें। अब देखो आपने कुछ कथन सोचा, अपने अंतर्ज्ञान से कुछ कथन निकाला कि ऐसा ऐसा हो सकता है। अब देखो वो गणितज्ञों का लेवल अलग होता है सोच विचार का, ठीक है, अब हमारा लेवल अलग होगा। अभी आप बिगिनर हो, 9th क्लास में हो, तो आपका लेवल अलग होगा, मैं थोड़ा आपसे ज़्यादा जानता हूँ तो मेरा लेवल अलग होगा। तो आपने कुछ ऐसा कथन सोचा जो कि आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, उसे बोलते हैं एग्जाम्स। चलो मैं आपको बुक की लैंग्वेज में ही बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करिए इन्होंने थ्योरम से, थ्योरम की क्या डेफिनेशन दी उसे देखते हैं। देखो ये लिखा, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रूथ हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड प्रूव्ड इज कॉल्ड अ थ्योरम। मतलब आपने स्टेटमेंट की कल्पना करी और उसे प्रूफ कर दिया, ठीक है, अगर प्रूफ हो चुकी है तो उसे बोलते हैं हम थ्योरम। ध्यान से सुनो, थ्योरम किसे बोलते हैं, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसका हम ट्रुथ स्टेबलाइज कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं उसे, ठीक है। अब हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, प्रूफ करने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, आप एग्जाम्स का यूज़ कर सकते हो, अभी एग्जाम डिफाइन नहीं किया मैंने, आप क्या बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप पिछली थ्योरम से नई थ्योरम बना सकते हो, ठीक है, ये तरीके हुए। अब आगे देखते हैं कंजेक्चर, ठीक है, कंजेक्चर के बारे में लिखा है यहाँ पे, देखो अ कंजेक्चर इज़ अ स्टेटमेंट विच वी बिलीव इज ट्रू बेस्ड ऑन आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस, दैट इज़ आवर मैथमेटिकल इंट्यूशन, ठीक है। कंजेक्चर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे हम ट्रू मानते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। अगर ट्रू हो गया तो हम फेमस बन जाएंगे और वो थ्योरम बन जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। स्टेटमेंट सोचा, सबसे पहले स्टेटमेंट कल्पना दिमाग से सोचा, अंतर्ज्ञान से, इंट्यूशन से, ठीक है। तो आपने कोई स्टेटमेंट सोचा, कुछ भी मान लो, कुछ भी स्टेटमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कंजेक्चर बनाते हैं जो हम अपेंडिक्स पढ़ेंगे। आपने कुछ भी स्टेटमेंट सोचा, मान लो स्टेटमेंट कुछ भी सोचा, तो आपने आप तो उसे ट्रू मानोगे ना। अब वो क्या हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर वो ट्रू हो गया वो स्टेटमेंट, आपने प्रूफ कर दिया, तो वो थ्योरम बन जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको पता है थ्योरम प्रूफ, ठीक है, वो ऐसा स्टेटमेंट जिसका प्रूफ हो वो थ्योरम हो जाती है, ठीक है। अगर फॉल्स निकला तो आप गलत थे, ठीक है, बस इतना ही तो है, तभी तो फेमस हो गए भाई, मेहनत करनी पड़ती है। जो मैथमेटिशियंस है, यहाँ लिखा है कि मैथमेटिशियंस ऑफन कम अप विद कंजेक्चर्स बाय लुकिंग फॉर पैटर्न एंड मेकिंग इंटेलिजेंस मैथमेटिकल गेसेस, ठीक है। इसका मतलब मैथमेटिशियन लोग किसका यूज़ करते हैं, कंजेक्चर का भाई, क्योंकि उसे इंटेलिजेंट, उन्हें इंटेलिजेंट गेस मानना पड़ता है, उन्हें टुक्का मानना पड़ता है कि वहाँ भी तो ऐसे चलता है, बल लेकिन उनकी उनका लेवल अप, समझ लो अप अप अप, बहुत अप होता है उनका लेवल, गुरुदेव, ठीक है। हम होते हैं नूब, वो होते हैं प्रो, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये था थ्योरम और कंजेक्चर, अब देखते हैं एग्जाम्स क्या होते हैं, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा कंजेक्चर कैसे होते हैं। एक देखो यहाँ पर कंजेक्चर लिखी हुई है, एवरी इवन इंटीजर्स ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम, ठीक है, आपको अगर इसे आपने प्रूफ कर दिया तो आप फेमस हो जाओगे, ये आपकी गोल्ड बैच या गोल्ड बाग जो भी कहना चाहो कंजेक्चर है, ठीक है। देखो वो क्या होता है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, द फैक्ट इज दैट एवरी एरिया इन मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन सम स्टेटमेंट विच आर अज्यूम टू बी ट्रू एंड आर नॉट प्रूव्ड। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ट्रू है, हमें ट्रू प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं हम एग्जियम्स, ठीक है, पॉस्टुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। पॉस्टुलेट और एग्जियम्स में क्या डिफरेंस है बता देंगे, कुछ नहीं है डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम ही है, मिलते जुलते ही है, ठीक है। मतलब एग्जियम्स ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम प्रूफ मान लेते हैं, जिन्हें हम ट्रू मान लेते हैं, सॉरी प्रूफ नहीं, आप बोल सकते हो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ठीक है। अब देखो क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अब देखो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्स क्या है, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स कैसे बनी आपकी, आपकी मैथमेटिक्स बनी आपकी इमेजिनेशन से, आपकी कल्पना से, आपने कल्पना के लिए एक स्टेटमेंट सोचा,
अब काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस ने अपने आपस में चर्चा करी होगी, उन्होंने सोचा कि हम कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम ट्रू बोल सकते हैं बिल्कुल, उन्हें प्रूफ नहीं कर सकते हम। जैसे एक एग्जांपल लूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको एक लाइन है, इस लाइन का कोई पार्ट, ठीक है, इस लाइन का ये पार्ट है, ठीक है, ये मान लो ये लाइन थी आपकी ए बी, इसका पार्ट था सी बी, सी बी इसका पार्ट था हिस्सा सी बी, ठीक है। अब यहाँ देख के ही पता चला कि सी बी आपका ए बी से बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ द पार्ट ऑफ अ लाइन इज़ लेस देन लाइन द होल लाइन, ठीक है, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैंने साइन गलत लगा दिया, ठीक है, ये ऐसा होगा, ए बी बड़ा होगा ना आपका, ए बी बड़ा होगा, सी बी छोटा होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि सी बी इतना सा है और ए बी देखो कितना बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसे प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना कि किसी वस्तु का हिस्सा छोटा सा, उस वस्तु वस्तु बड़ी होगी उस हिस्से से, होगी नहीं होगी, होगी भाई, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो ऐसे जो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं इन्हें बोलते हैं हम एक्जियम्स स्लैश पोस्टुलेट्स, ठीक है। फिर हमने कुछ कंजेक्चर्स सोचे, ऐसे स्टेटमेंट सोचे जिन्हें हम सच मान लेते हैं, फिर हम उन्हें प्रूफ करते हैं, ठीक है, कंजेक्चर्स, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें हम सोचते ट्रू मान लेते, अब उनमें से हम किसी का प्रूफ निकाल पाए तो वो आपकी थ्योरम बन जाएगी, नहीं निकाल पाए तो हम गलत थे, हमने गलत कल्पना करी, हम कहीं गलती कर गए, हम नहीं मतलब गणितज्ञ लोग, ठीक है, उनका सोच विचार समझो। और जो थ्योरम से थ्योरम्स कैसे प्रूफ होती है, एग्जियम्स की यूज़ से प्रूफ होगी आपकी, एग्जियम्स का यूज़ होगा ना, एग्जियम्स तो आपका सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है भाई, कुछ होना भी तो चाहिए जिससे हम किसी को प्रूफ कर सकें, ठीक है, एग्जियम से हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और थ्योरम को और प्रूफ करने के क्या रास्ते हैं, आप कर सकते हो डिडक्टिव रीजनिंग, और आप यूज़ कर सकते हो कोई दूसरी थ्योरम, ठीक है, उससे ही मिलती जुलती, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब वहीं बुक पे चलते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में मैं तभी पढ़ाऊँगा जब मैं अपेंडिक्स वन पढ़ाऊँगा। चलते वापस, कहाँ थे हम, ये थे हम इधर, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं। अब देखो पोस्टुलेट और एक्जियम्स में क्या अंतर होता है, ठीक है, देखो दोनों क्या होते हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब सर्वव्यापी सत्य, आप विश्व के किसी भी जगह चले जाओ ट्रुथ है, ठीक है, दोनों एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट। अंतर क्या होता है कि पोस्टुलेट हीट की जगह वी होना चाहिए, वी यूज द टर्म पोस्टुलेट, मतलब ही लिखा था, मतलब यूक्लिड ने पोस्टुलेट का यूज़ किया उन अजम्पशंस के लिए जो कि ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक हो, मतलब जो केवल स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही यूज़ होती हो, ठीक है, और एग्जाम्स आजकल हम पोस्टुलेट को भी एग्जाम्स ही बोलते हैं, ठीक है, ये बात हो रही है यूक्लिड की, ठीक है, तो एग्जाम्स उनके लिए किया जो मैथमेटिक्स की हर एक मतलब ब्रांच से रिलेटेड हो, ठीक है, थ्रू आउट मैथमेटिक्स, मतलब कंप्लीट मैथमेटिक्स से, जरूरी नहीं कि स्पेशल लिंक हो कोई ज्योमेट्री से, ठीक है, दोनों सेम है, बस एक पोस्टुलेट आपका ज्योमेट्री में ही मतलब ज्योमेट्री के ही सर्वव्यापी सत्य को निरूपित करता है, और जो आपका एग्जाम्स है वो जरूरी नहीं ज्योमेट्री में, किसी भी ब्रांच में हो सकता है, जैसे अलजेब्रा में कुछ भी ले लो आप, ठीक है, कैलकुलस में, ठीक है, काफ़ी सारी ब्रांचेस में, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इनका मतलब। अब हम यूक्लिड के एग्जाम्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे पोस्टुलेट अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, तो एग्जाम्स देखते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, पहली है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम एग्जाम्पल एक लाइन का लेंगे, ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा वस्तु ये बोला है ना, थिंग्स मतलब वस्तु कोई ऑब्जेक्ट, तो हम ले लेते हैं मान लो एक क्या बन रहा है, एक लाइन, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, ठीक है, ये देखो ऐसे समझो, लाल वाली इधर बना देता हूँ, देखो बराबर हो या ना हो मैं क्या, लेकिन ठीक है, इसका कहने का मतलब अगर ये नीली लाइन इस लाल लाइन के बराबर है, ठीक है, और हरी वाली लाइन भी लाल लाइन के बराबर है, ये दोनों ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर होंगी, आई होप आप समझ गए होंगे, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। तो अगला कह रहा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। देखो उसका कहने का मतलब अगर हम एग्जांपल ले लाइन का, ठीक है, मान लो हमारे पास दो लाइन है,
ठीक है, ये दोनों इक्वल है और इसमें हम कोई और इक्वल जोड़ देते हैं, ये देखो और इक्वल, तो आपको जो आउटकम मिलेगा ये आउटकम, ठीक है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर इक्वल में इक्वल को ऐड किया जाए तो जो आपका आउटकम होगा वो भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसने कहा कि थर्ड में इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस बार सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ये हटा दो, सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, अब यहाँ से इसे छोटा कर दो थोड़ा सा, ये लो, कोई समस्या, इतना तो नहीं होगा, चलो इतना ही मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फोर्थ कह रहा है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, तो बकवास है क्या, देखो क्या कह रहा है, अभी भी कोई बात है ये तो, हाँ वैसे ये आपका क्या है, याद रखना इसे कि ये आपका ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लो लाइन है कोइंसाइड हो रही है, मतलब ये लाइन इसके ऊपर ही एक और लाइन, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, इसके ऊपर ही एक और लाइन, ठीक है, देखो मैंने एक काली लाइन बनाई उसके ऊपर हरी लाइन, तो इससे पता चला दोनों लाइन बराबर है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कोइंसाइड, ठीक है, तो ये दोनों लाइन बराबर ही होंगी भाई, होंगी क्यों नहीं होंगी। अब फिफ्थ कह रहा है द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, मैंने जो अभी आपको बताया, जब मैं आपको बता रहा था, मतलब एक होल लाइन ले लो, इसका कोई पार्ट जैसे इतना सा पार्ट, ये जो पार्ट है जो ये जो पूरी होल लाइन है इस पार्ट से बड़ी होगी, कॉमन सेंस, ठीक है, ये ए बी सी, तो आपका ए सी आपका बड़ा होगा बी सी से, ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो क्या बताने की बात है, ठीक है, आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आप ये मान लो आपके पास एक पेपर है, आपने इसमें से इतना टुकड़ा फाड़ दिया, ठीक है, आपको इतना टुकड़ा बचा आपके पास में इतना ऐसे ट्रायंगल टाइप में, ठीक है, तो क्या बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या ये, यही बड़ा होगा, होगा नहीं होगा, बस वही कहना चाह रहा हूँ। अब छठा देखते हैं, सिक्स कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब है, अरे कुछ भी नहीं है इसका मतलब, देखो मैं बताता हूँ क्या है, मतलब आपके पास एक लाइन थी, आपने इसी के दो डबल लाइन बना ली, ठीक है, मतलब इसका डबल किया ये, इसका डबल किया इसी का ही, डबल किया ये, सही बन जाए बराबर ही हो जाए ये, ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, आप मेजर करना मतलब जाना लेंथ, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, मान लो इसका डबल किया ये बना, इसी का डबल करके ये बना, और ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होंगी, उसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। सातवां कहते हैं, सातवां कह रहा है मतलब थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है आपका एक लाइन ले लो, ठीक है, इसका हाफ मतलब इसका आधा किया आपने, तो इसका आधा आपस में बराबर होगा, मतलब ये वाला पार्ट ये वाला इस पार्ट के बराबर होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो पोस्टुलेट्स हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स, ठीक है।